पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर जय बिंद्र ओली की तरफ से सारे भाइयों राम राम भाई। आज पहुंच गए गांव मिगनी खेड़ा जिला इसार में रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म पे भाई समीर मच्छू के पास में, जिनका बहुत अच्छा अनुभव है भाई, काफी समय से पशुपालन में काम कर रहे हैं और आज फिर सेल के लिए अवेलेबल है लगभग 10-12 भैंस। उनकी क्या कीमत है, कौन सा उनका ब्यात है, कितना उनके नीचे दूध है, हर एक जानकारी देंगे भाई। समीर भाई का बार बार स्वागत है पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर। समीर भाई राम राम। हाँ राम राम साहब, और ठीक हो भाई जी? हाँ जी बढ़िया। एक बार दर्शकों ने और कर दो राम राम। हाँ राम राम सब दर्शकों ने। समीर भाई कितना टाइम हो गया अपना डेयरी फार्म ने? अभी नए करें तो साहब 1 साल होगी। पहले गाँव में था, उससे पहले किराए पर भी ले रखा था और काम करता ना हमने तकरीबन हो गई होगी 40-50 साल। तो मतलब आपके पिताजी कर रहे हैं? दादाजी। अच्छा। उसके बाद पिताजी, अभी फिर मैं लग रहा हूँ। 5-6 साल हो गया मेरे को भी। क्या क्वालिफिकेशन है समीर भाई आपकी? बीए कर रखी है साहब मैंने और आईटीआई कर रखी है। अपना जो मेन काम हम अगर बात करें तो पशुपालन का ही है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। कितनी भैंस है अपने पास जो आज सेल के लिए अवेलेबल है, कितने पशु है? 10 भैंस साहब। 10 है जी। तो हर एक का अपना जोन सा भी ब्यात है, जितना भी दूध है, जनमन जानकारी विद प्राइज, प्राइस के साथ जानकारी दी जाएगी। क्योंकि भाई मेरे पहले भी जानते साहब जो चीज़ है ना, मैं पहले खोल के बता देता हूँ। अगर ऑर्डर में टेडा पड़ा तो भी बताऊँगा, सींग खुले तो आपको सामने दिख रहे हैं, दूध जितना होगा वो बताऊँगा। जी जी। और तकरीबन मेरे को 5 साल हो गए ये काम करते। जो चीज़ जो जानकारी ना वही दे रहा हूँ मुझे कस्टमर को। बहुत बढ़िया सोच भाई की। और भाई शुरू से ही आप पहले नंबर से शुरुआत कर देते हैं कि भाई कौन से पशु की कितनी कीमत है और कितना दूध है, कौन सा ब्यात है। तो भाई समीर भाई अपनी पहले नंबर की जो भैंस है इसके बारे में बताओ जी। सींग बिल्कुल खुला सींग है, कौन सा ब्यात है जी इसका? तीसरा ब्यात है साहब। तीसरा ब्यात है। हाँ, पीठ फुट आप देख रहे हो, हाइट टू हाइट देख रहे हो, पूरी हाइट है। 10 लीटर अभी दूध तैयार है। नीचे फीमेल काफ है। कितने दिन की ब्याई है जी? ये 9-10 दिन की ब्याई है साहब। 9-10 दिन की ब्याई है और फिलहाल 10 लीटर दूध। 14 लीटर दूध देगी पूरा। क्या कीमत रखी है? 92,000 रुपये। 92,000 रुपये कीमत है भाई। तीसरे ब्यात में 10 दिन की ब्याई है, 10 लीटर दूध फिलहाल तैयार है, फीमेल काफ है और 14 लीटर की भाई ने उम्मीद बताई है और 92,000 इसकी 92,000 रुपये इसकी कीमत बताई है जी। अपना जो पहले नंबर की जो भैंस है, दूसरे नंबर की ले आओ जी। भाई का काफ़ी समय से भाई अपना दादा जी ने इनके ने शुरुआत करी थी काम की, नहीं पिताजी ने भी और भाई ने भी फिर इसी में अपनी रुचि बना ली, क्योंकि पशुपालन का काम जो है कोई माड़ा काम नहीं है भाई। दूसरे नंबर की भैंस को और लेकर आओ जी। भाई अपनी दूसरे नंबर की जो भैंस है इसके बारे में और दो जी जानकारी। ब्यात के हिसाब ये 15 लीटर अभी दूध तैयार है, 10 दिन की ब्याई है और थन आप देख रहे हो थोड़ा जाली वाला थन है ये। हाँ, तो थन है जो। हाँ, इसके बारे में और क्योंकि भाई कोई संशय ना रहे किसी को। नीचे की चौड़ाई बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल नरम है, मगर थन में थोड़ी जाली है। हाँ, अपना यहाँ पे भाई मिल्किंग करके इसकी देख कर तब लेकर आप जाए। बिल्कुल दो टाइम इसकी मिल्किंग करके पसंद हो तो ही लेके जाए भाई। तो भाई साहब इसकी क्या कीमत रखी है आपने? इसकी कीमत रखी साहब 90,000 रुपये। 90,000 रुपये तीसरा ब्यात है भाई, ये भी 10 दिन की ब्याई है और 15 लीटर दूध तैयार है फिलहाल। 90,000 रुपये कीमत है भाई। सही जो कीमत की भैंसे हैं आज तकरीबन वो आपको दिखाएंगे भाई के पास में। 10 जो भैंस है आज सेल के लिए अवेलेबल हैं। ये अपनी जो तीसरे नंबर की भैंस है इसके बारे में और बताओ जी। दूसरे ब्यात में है, 10 लीटर अभी दूध तैयार है इसमें भी। ये भी 5-6 दिन की ब्याई है। ले जाओ ले जाओ। दूसरे ब्यात में है, 10 दिन की ब्याई है, कितना दूध है जी? 10 लीटर दूध तैयार साहब। 10 लीटर दूध तैयार है। काफ क्या है जी इसके नीचे? इसके नीचे भी कटड़ा है। इसके नीचे मेल काफ है भाई। इसकी क्या कीमत रखी है भाई साहब? इसकी 88,000 रुपये। इसकी 88,000 रुपये कीमत रखी है भाई ने, जो कि दूसरे ब्यात में ही है। ये जो दो थन इसके दिखाई दे रहे हैं इकट्ठे हैं? नहीं, अलग अलग हैं। ये अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा भी लग रहे हैं बिल्कुल साथ में। तो भाई ने जो भी ये तीसरा पशु डिफरेंट ना होता साहब तो 1,25,000 रुपये की छुट्टी आई है। हाँ जी, थोड़ा इसी कारण के भाई ने 88,000 रुपये कीमत बताई है। तो दिल्ली का जो मेल है, कई भाइयों की डिमांड थी थोड़े छोटे भाव की, तो हाँ एक रिजनेबल प्राइस की जो भैंसे हैं उनकी आज जानकारी देंगे। चौथे नंबर की जो भैंस है ये चौथे ब्यात में। हाँ, चौथे ब्यात में है, 9 लीटर दूध है। 9 लीटर। हाँ, 5 दिन की ब्याई। 5-6 दिन की ब्याई है। 5-6 दिन की ब्याई हो चुकी है, चौथा इसका ब्यात है भाई। तो इसकी क्या कीमत रखी है जी? इसकी कीमत 92,000 रुपये। इसकी 92,000 रुपये कीमत है भाई। 13-14 लीटर दूध दे देगी। पीठ फुटा देख रहे हो आप, बिल्कुल हाइट अच्छी है, भारी है, पूरी वजनदार भैंस है। 14 लीटर दूध की पूरी इससे उम्मीद है भाई। पांचवें नंबर की जो भैंस है वो और ले आओ। आज अपना जो भी है कि जनवन जानकारी देंगे हर एक पशु की। तो ये भाई पांचवें नंबर की भैंस है, इसके पैर में क्या परेशानी होगी समीर भाई? ना, ये भी थोड़ा खुरखर बनवाया था। अच्छा, जब उसके कारण थोड़ा सा लग रही है, परेशानी नहीं है कोई भी। अच्छा, अभी खुर बनवाया था, उसकी वजह से थोड़ा सा कच्चा कुच्चा कट गया होगा। हाँ, चलने में परेशानी हो रही है।
कम हाइट की है और भाई हाइट की कम है 15 लीटर दूध देगी। सींग बिल्कुल खुल्ला है, वो तो लंबा दूध है, तीसरे दिन की ब्याई है। अच्छा जी, फिलहाल 9-10 लीटर दूध तैयार है। हाँ। कौन सा ब्यांत है जिसका? इसका चौथा ब्यांत है। चौथा ब्यांत है, और इसकी क्या कीमत रखी है भाई साहब? इसकी 90,000 रुपये। और काफ क्या है? इसके अंदर भी कटड़ाई है, मेल काफ है भाई, 90,000 रुपये कीमत रखी है इसकी भी। तीसरे ब्यांत में 10 लीटर दूध बताया जी? हाँ 10 लीटर अभी, 9-10 लीटर फिलहाल तैयार है। 15 लीटर की भाई है, क्योंकि अडर क्वालिटी अच्छी है, सेहत से थोड़ी कमज़ोर है लेकिन अडर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और थनों का भी गैप अच्छा है। तो भाई या जो अपनी पाँचवें छठे नंबर की जो भैंस है जी, इसके बारे में और जानकारी दीजिए समीर। अच्छा जी, इसका भी अभी खुर बनवाया, थोड़ी सी फिसलन की जगह है, थोड़ा भैंस डर के चल रही है इस, ये अभी खीस से खाली होगी साहब। अच्छा जी, खीस से खाली है। दूसरा ब्यांत है जी? खाली करी नहीं अभी होगी। अच्छा, ब्यांत है इसका, ये भाई दूसरा ब्यांत है, और सेहत इसकी बहुत बढ़िया है, अर्डर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया। तो भाई इसकी क्या कीमत रखी है? इसकी कमी कीमत रखी साहब 1,00,000 रुपए। तो क्या उम्मीद है भाई साहब? पहले बात में भी आपके पास थी है? ना ना ना, मेरा तो काम सब सेल परचेज का, यहीं से गांव-गांव से लेके आता हूँ और यहाँ सेल करता हूँ। 15 लीटर दूध देगी पूरा। 1,00,000 रुपए की भैंस है भाई, 1,00,000 रुपए कीमत रखी है इस भैंस की, और आज खीस से खाली हो जाएगी। काफ क्या है जी इसके नीचे? इसके नीचे भी कटड़ा है, इसके नीचे भी मेल काफ है भाई, दूसरे बैंस की जो ये अपना बैस है। तो भाई पता आपको जानकारी दियो, पहले ब्यात में कितना दूध दिया इसने? ये 12-13 लीटर बता रहे थे साहब। 12-13, इस ब्यात में क्या उम्मीद लगा? 15 लीटर, 15 लीटर की पूरी उम्मीद है, 1,00,000 रुपये कीमत है भाई। और भाई अब जो अपनी ये सातवें नंबर की बैस है, इसके बारे में और बताओ जी। ये पहले ब्यात की है। अच्छा जी, खुराक की जोटी है। हाँ, चौथे दांत अभी तोड़ती है, तो लग तो रही दूसरे ब्यात की, मगर है ये पहले ब्यात में ही। दूध अभी इसमें है 9 लीटर। अच्छा जी, हाँ ये भी होगी होगी, 7-8 दिन की ब्याई, 10 दिन की होगी होगी। 10 दिन की ब्याई हो चुकी है जी ये, और 7-8 लीटर हाँ दूध तैयार है, खुराक की जोटी है, 8 लीटर 9 लीटर। तो इसकी क्या कीमत रखी है? कीमत रखी साहब 87,000 रुपये। 87,000 रुपये कीमत है भाई इस जोटी की, खुराक की जोटी है भाई। आज 9-10 दिन की ब्याई है, 9-10 दिन की है ना जी? हाँ 10 दिन की होगी साहब। और ये दूध है फिलहाल, पीछे कटड़ा बोल रहे इसका, 9-10 लीटर तैयार है। हाँ 9 लीटर। अब ये जो अपनी आठवें नंबर की है, इसके बारे में और बताओ जी। ये होगी चौथे ब्यात की साहब। अच्छा जी, दूध अभी इसमें 15 लीटर। चौथे ब्यात में अभी कई दिन की ब्याई है? ब्याई होगी 12-13 दिन की, ये 12-13 दिन की ब्याई है, ये कटड़ी खड़ी है। 15 लीटर दूध फिलहाल तैयार है। ये जो सामने इसकी कटड़ी है, जसवीर मलिक जमोला, एक बार भाई ये कटड़ी जरूर दिखाएं, फीमेल काफ है ये, इसी के भाई 9-10 दिन की ब्याई हो चुकी है। इसकी क्या कीमत रखी भाई साहब? इसकी कीमत रखी साहब 85,000 रुपये। 85,000 रुपये कीमत भाई इस चौथा ब्यात बताया ना? हाँ जी चौथा ब्यात, इस भैंस की भी 85,000 रुपये कीमत चौथे ब्यात में। ये इसकी कटड़ी है, 10-12 दिन की ब्याई हो चुकी है भाई। और भाई आज ये जितना भी पशुधन देखा है आपको, 1,00,000 से कम रेंज की भैंसें हैं तकरीबन सभी। एक भैंस है जो जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये, 3,000-4,000-5,000 रुपये, कम ज़्यादा भी हो जाता है, ज़्यादा तो क्या होगा, कम ही हो जाएगा। हाँ भाई 4-5,000 रुपये की और भी भाई, अगर कोई मौके पे तो कम कर देंगे, भाई ने ऐसी बात बताई है। या 9वें नंबर की जो भैंस है भाई, इसके बारे में और बताओ। ये चौथे या 5वें ब्यांत की साहब। अच्छा, दूध इसमें भी 11 लीटर। अच्छा, ये भी 7-8 दिन की ब्याई है, इसकी कीमत रखी हमने 87,000 रुपये। 87,000 रुपये 5वें ब्यांत की कर लेते हैं हम। हाँ, जो जानवन जानकारी है वही देंगे भाई साहब। हाँ जी, क्योंकि 5वें ब्यात की है और भाई 87,000 रुपये इसकी कीमत है। कै दिन की ब्याई होगी जी? ये होगी 10 दिन की ब्याई साहब, ये नीचे कटड़ा इसका, ये कितना फिलहाल कितना? 11 लीटर दूध अभी, 11 लीटर दूध फिलहाल तैयार है। 87,000 रुपये 9वें नंबर की जो भैंस है इसकी भाई, 87,000 रुपये कीमत बताई है भाई ने। तो भाई ये 10वें नंबर की भैंस है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। लगभग 80,000 से ऊपर की कीमत की भैंस है, 10,000 से कम की है साहब ये। और ये जो भाई 10वें नंबर की भैंस है, इसके बारे में 5वीं बार की भी हो सकती है साहब, क्या पता 6ठी बार की भी हो, हमने तो अगले लोगों ने तो 4 बार की बोल के दी है। ये खीस से खाली हुई है, अब जो दूध निकालेगी उसका पता चलेगा, 4 लीटर देगी, 3 लीटर देगी, 12 लीटर दूध दे देगी, इसकी कीमत है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये कौन सा ब्यात बताया ये बाबा साहब? 5वां लगा लो तो 6ठा लगा लो। हाँ 5वां 6ठा जो भी आए वो तो 4 बार की बता रहा था, पर इसका लगभग भाई अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखें ये तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है 6ठा ब्यात है भाई। कितने दिन की ब्याई है जी ये? ब्याई होगी साहब, ये खीस से खाली हुई है सुबह। अच्छा जी, सुबह खीस से खाली। क्या काफ है जी? इसमें कटड़ा है, कटड़ा है भाई, दो कटड़ी है, 10 भैंसों में 8 कटड़े हैं भाई। 10 भैंसों की जिनकी भी जानकारी दी है, 2 के नीचे फीमेल काफ है, बाकी सब मेल काफ हैं, और कीमत हर एक की आपको बता दी है, 10 की 10 जो ये है सेल के लिए अवेलेबल हैं अपना समीर भाई के पास में इधर। तो भाई आज ये जितनी भी अपनी 10 भैंसे हैं सभी की आपको हर एक
जानकारी दे दी है कौन सा ब्याह है, कितना दूध कौन सी भैंस ने फिलहाल दिया है और कितने की उम्मीद है, और हरेक की कीमत भी मेंशन कर दी है, कीमत बता दी है समीर भाई ने। जो भी भाई, जो पशुपालक भाई इन भैंसों को खरीदना चाहता हो तो आप समीर भाई से संपर्क कर सकते हैं। मिगनी खेड़ा गांव है, डिस्ट्रिक्ट इसार के अंदर। समीर भाई अपना फ़ोन नंबर और बता दो। फ़ोन नंबर साहब 98133 81524। समीर भाई का फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी है ये? ये व्हाट्सएप नंबर, ये फ़ोन नंबर, एक दूसरा नंबर हो रहा है 97299 65387। ये दोनों नंबर भाई अपना समीर भाई के हैं। जो भी भाई इन भैंसों को खरीदना चाहता है, एक भैंस दो भैंस या 10 की 10 खरीदना चाहता हो तो भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। सभी भाई वीडियो देखते जो मेरी पुरानी, उनको भी पता है कि अभी लॉकडाउन के अंदर सब ऑनलाइन बिक्री चल रही है, महाराष्ट्र की, आंध्रा की, तेलंगाना की, कर्नाटका की, जहाँ भी पूरे भारत में कहीं भी भैंस मंगवाओ तो घर तक पहुँचा के देंगे, ट्रांसपोर्ट भी हम करके देंगे उनका, भाड़ा उनको बता दिया जाएगा। बिल्कुल जी। तो भाई सारी जानकारी दे दी है भाई ने, ऐसे ही हर रोज़ एक अपना अच्छे अच्छे पशु की सेल के लिए होगा, जो प्रदर्शनी में फर्स्ट आया हुआ होगा सभी पशुओं की जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए आप पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।